क्या ये भी आरोप नहीं है कि हरियाणा की सरकार मोनू मानेसर उनके साथियों को बचा रही है? हरियाणा के सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। बजरंग दल हरियाणा या मोनू मानेसर को क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं? ज्यादा एक चरम सीमा पे हाई लेवल। अभी यही बात ये भी कह रहे थे, लेकिन अब चक्कर है कि जो जितना जो घटना हुई है क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसी मोनू मानेसर की कई सारी तस्वीरें वायरल आई हैं, बहुत सारी इसमें कि वो आदतन अपराधी है। पन की घटना पर पहले मानेसर और अब पलवल के हथनी में गौरक्षकों की महापंचायत बुलाई गई है। मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा ये, जो बड़ी बातें कही गई वो ये कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी ना होने पाए, उसके बचाव में तमाम सारे लोग खड़े हैं, जितने गौरक्षक दल या अलग अलग संगठन आए हैं। एक मांग जो दिखाई देती है वो कि मोनू मानेसर की हिफाजत करनी है, उसको कुछ नहीं होने देना है। मोनू मानेसर और जितने भी बजरंग दल टीम के कार्यकर्ताओं का नाम ले रखा है, सभी बजरंगियों की हिफाजत हो, और साथ में जो भूण की हत्या करी गई है श्रीकांत भाई के बच्चे की पेट में राजस्थान पुलिस द्वारा लात मार के, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि कल हरियाणा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं उस राजस्थान पुलिस पे। और साथ में एक मीडिया द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था भरतपुर के SHO का, जिसके अंदर ये पता चला कि भाई मोनू की कोई भी लोकेशन या कोई भी एक्टिविटी ट्रेस नहीं हुई है उनके पास में, लेकिन फिर भी तुष्टिकरण के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत तुष्टिकरण के लिए फंसा रहे हैं। क्या ये भी आरोप नहीं है कि हरियाणा की सरकार मोनू मानेसर उनके साथियों को बचा रही है? हरियाणा के सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि जिसके बच्चे की हत्या हुई है अगर वो उसके साथ गलत हुआ है तो हरियाणा के सरकार का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि उस पुलिस वाले पे, राजस्थान पुलिस के उन लोगों पर जो टीम आई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस जिहादी अशोक गहलोत सरकार की अंतिम दिन चल रहे, जैसे उद्धव ठाकरे का इलाज होया वैसे ही अशोक गहलोत का इलाज अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं, भाई बजरंग दल हरियाणा या मोनू मानेसर को क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट करने की वजह ये है कि भाई जो मेवात है, जो मेवात का क्षेत्र है, वो दिल्ली NCR का गो तस्करी का गढ़ है। वहां से अनेक समय वहां पे भाई आतंकवादी भी मिलते हैं और ऐसी गतिविधि बहुत चलती रहती है। उसको रोकने के लिए मोनू मानेसर बजरंग दल की टीम ने वहाँ पे पूरे उस पर नकेल कस रखी थी। उन्हीं दोनों पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान के रहने वाले दो युवकों की पिटाई से हत्या हुई। केवल आरोप है, वो आरोप का मतलब अपराध नहीं होता। आरोप तो मैं आप पे लगा दूं तो आप अपराधी नहीं बन जाओगे। आरोप और क्या जांच होती है? और मोनू मानेसर की टीम ने हमेशा ही गौ तस्करों को उनके बहुत रोका है, तो इसलिए षड्यंत्र रचा गया है। और जो दो अपराधी मरे है ना, दो अपराधी है, वो सिद्ध अपराधी, उनपे FIR भी दर्ज है। वो मरे हैं, वो कैसे मरे हैं पता है किसी को? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। जल गए, खुद जल गए, क्या पता उनके साथ दिन चले हैं? ये जांच का विषय है, उसकी CBI जांच होनी चाहिए। देखो हम सब संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, हम अपने भाई के लिए यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये सिस्टम संविधान से चलता है। अब भी हमारी सबकी ये मांग है कि अगर मोनू मानेसर वो निर्दोष है तो उसके ऊपर टैग मत लगाओ, एक CBI जांच हो, एक कमेटी बैठे, उसके बाद जांच विषय का है। आप किसी को ऐसे मीडिया ट्रायल में लाके मैं कल को इनके एलिगेशन कर दूं, किसी भी एलिगेशन कोई सिद्ध नहीं कर सकता। आप लोग ये मान रहे हैं कि बेसिकली मोनू मानेसर उनके साथियों पर जो आरोप है वो गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। ये टारगेट ओके, आपको समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। अगर आप ज्यादा नहीं इतिहास के 2-3 साल उठा के देखें तो देखिए, जितना दिल्ली NCR का एरिया है, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और हरियाणा हो गया, जो NCR लगता हुआ है, यहाँ पे जो गो तस्करी हो रही थी वो बहुत ज्यादा एक चरम सीमा पे हाई लेवल। अभी यही बात ये भी कह रहे थे, लेकिन अब चक्कर है कि जो जितना जो घटना हुई है क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसी मोनू मानेसर की कई सारी तस्वीरें वायरल आई हैं, बहुत सारी इसमें कि वो आदतन अपराधी है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो वीडियो, वो पटौती की तस्वीर है। वो क्या तस्वीर है? पटौती के अंदर जो मोहल्ला था मुसलमानों का, उस मोहल्ले के अंदर भाई हमारा कुछ हिंदू परिवार था, उनको तंग कर रहे थे, तो ये वहां पे उनसे मिलने गए थे, भाई आपको क्या तकलीफ है? भाई एक हमारा दायित्व है अपने समाज के लिए, उसके लिए मिलने गए थे। तो वहां पे जाने के बाद मुसलमानों ने उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव करा, उनके गाड़ियों पर लट से हमला कराया, उनको मारने का प्रयास कराया। मेरा एक आखिरी सवाल, गौ रक्षा के नाम पर देश के कई सारे इलाकों में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, गौ रक्षक किस हद तक जाने को तैयार है? मैं आपके माध्यम से, मैं जितने भी मुसलमान हैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इस देश के नागरिक हो, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज आपको इतना दर्द हो रहा है दो गौ तस्करों के मरने से, तो आप यूं सोचिए कि हिंदू समाज गौ माता को अपनी माँ मानता है, उस माँ को
अगर ये रोज काट रहे हैं तो हिंदू समाज को कितना दुख होता होगा भाई। 80% बहुसंख्यक है लेकिन आत्मा तो हमारी भी है, हमें भी तो दर्द होता है। आपके जुनेद नासिर मर गए तो उसके लिए आप पूरे देश में हल्ला मचा रहे हैं। वो कोई हैदराबाद से निकल के आ रहे हैं, वो जो रजाकारों का चेला था जो, वो निकल के आ रहे हैं भाई। हमें कितना दर्द हो रहा होगा, रोज हमारी गौ माता मर रही है, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच हो, और अगर ऐसे गौ तस्करों को मारा गया है तो भाई सरकार उनको सजा नहीं दे पा रही, उनके ऊपर आदतन अपराधी है वे, उनके ऊपर गौ तस्करी के कई केस है, तो भाई क्या करेगा समाज, लोगों को आगे निकलना पड़ेगा भाई। मोनू मानेसर ने नहीं करे लेकिन आगे ऐसा होगा तो भाई लोगों को खुद आगे आ गए, इनको सजा देनी पड़ेगी, खुद हथियार उठाएंगे, खुद हथियार, सरकार से सजा मिल नहीं रही। आत्मरक्षा करना हर आदमी का संवैधानिक वो है, अधिकार है। अगर जब आपके घर में मैं घुसूंगा तलवार लेके, आप अपना रक्षा करोगे नहीं करोगे? तो जो गौ माता पे जो अपराध हो रहा है वो भी हम पर हमला है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम तो करेंगे। हथनी की इस महापंचायत में दो प्रस्ताव पास हुए, वो ये कि मोनू मानेसर के इस पूरे मामले में भिवानी, चूंकि वो इनका कहना है कि वो निर्दोष है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, साथ ही श्रीकांत की जो पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उस मामले में दोषी पुलिस वालों को सजा मिले। अभी ये महापंचायत खत्म हो गई है लेकिन लगता है विवाद फिलहाल खत्म नहीं होगा। हरियाणा